प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स और सब्सिडरी के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे और रैंक निकालना सीखेंगे हम लोग आज नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म से। बच्चों मैं आपको पिछले क्लास में रैंक निकाला सिखाया था, आप डिटरमिनेंट मेथड से सीखे थे, आप विचलन मेथड से सीखे थे, तो आज हम लोगों का नंबर है रैंक निकालना सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म या इसी का दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म। आइए बच्चों आज हम लोग इसको सीखते हैं और एंजॉय करते हैं। देखिए क्या होता है नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। देखिए क्या होता है, लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए नन जीरो में, समझ गए? यह आपका क्या है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। बाय यूजिंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफोर मेसन दी मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस्ड इन दी फॉलोइंग फॉर्म्स। देखिए ये आपका कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और इसमें बहुत सारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर इसको हम लोग निम्न रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? तो नंबर एक IR, नंबर दो IR O, नंबर थ्री आई आर ओ, नंबर फोर आई आर ओ ओ ओ। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, समझ गए? जब नंबर ऑफ हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो मैट्रिक्स को यही चार फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, समझ गए? कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ये चार फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। और जब आप इस फॉर्मेट में लिख दिए, ये चारों फॉर्मेट आपका कहलाता है नॉर्मल फॉर्म। ये कहलाता है आपका नॉर्मल फॉर्म या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैनोनिकल फॉर्म। और यहां पर रैंक ऑफ ए यानी कि रो ए बराबर कहलाता है आर। रैंक ऑफ ए कितना कहलाता है? आर। और ये जो आपका आई आर है, ये आई आर का मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर आर का, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। वो आपका कहलाता है नल मैट्रिक्स, समझिए वो आपका क्या कहलाता है, तो नल मैट्रिक्स। इस फॉर्मेट में हम लोग ला देंगे और फिर हम लोग यहां से रैंक निकालेंगे। ये फॉर्मेट आपका क्या कहलाता है, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। याद रहे यहां पर हम लोग एक साथ में दो ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन भी और
कॉलम ऑपरेशन, यहाँ पर एक साथ में दोनों ऑपरेशन करते हैं हम, समझ लिए? कौन कौन सा ऑपरेशन करते हैं? रो ऑपरेशन प्लस कॉलम ऑपरेशन। याद कीजिए इसलिए फॉर्म में हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन करते थे, लेकिन यहाँ पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन हम लोग दोनों करेंगे, ठीक है? इसको आप नोट कीजिए और फिर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ए लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है बोलिए तो 4x4 और इससे हम लोगों को निकालना है रैंक। अब देखिए यदि आप इसको डिटरमिनेंट मेथड से निकालने की कोशिश कीजिएगा ना, अब देखिए 4x4 का है ना पसीना छूट जाएगा निकालते निकालते, यदि जब वैल्यू 0 आने लगेगा तो पसीना छूट जाएगा, इसीलिए डिटरमिनेंट मेथड आपका छोटा मैट्रिक्स के लिए है, कम ऑर्डर का 3x3 के लिए आपका सही है, लेकिन यदि उससे ज्यादा आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए तो डिटरमिनेंट मेथड से बहुत मुश्किल हो जाता है निकाल पाना, तब हम लोग इचेलन मेथड अप्लाई करते हैं या फिर नॉर्मल फॉर्म यानी कि कैनोनिकल मेथड अप्लाई करते हैं। यदि एग्जाम में मेंशन रहे कि आपको इचेलन या नॉर्मल फॉर्म से बनाना है तो उसी फॉर्म से बनाइएगा जो मेंशन रहेगा, और यदि मेंशन क्या हुआ नहीं है तो आपकी इच्छा है कि आप जैसे इसको बनाना चाहते हैं, समझ गए? इच्छा आपकी रहेगा। देखो बेटा इसमें हम लोग रो ऑपरेशन भी करते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी करते हैं, हम लोग दोनों ऑपरेशन को एक साथ करते हैं। देखो सोल्यूशन, सोल्यूशन बोलो बेटा ए बराबर क्या बोलो तो लिखवाओ 2 1 3 6 3 1 1 3 -1 -2 -3 0 -1 -4 -2 -7। तो सबसे पहला काम यहाँ पर एक लाना है, कोने पे क्या लाना है एक, आपका सबसे पहला काम यहाँ कोने पे क्या लाना है एक, चाहे एक आप जिस मेथड से लाना चाहे आप उस मेथड से एक ला सकते हैं, या तो आप इस दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए तो एक आ जाएगा, है या नहीं? आप ट्रांसफर कीजिएगा तो एक आ जाएगा, या आप R1 में R2 घटा दीजिएगा तब भी एक आ जाएगा, समझ गए? तो आपकी इच्छा है आप जैसे लाना चाहे, हम तो बोलेंगे कि इसी दोनों को एक दूसरे पर ट्रांसफर कर दीजिए, R1 को किससे ट्रांसफर कीजिएगा R2 से, और R2 को किससे ट्रांसफर कीजिएगा R1 से, R1 को R2 से और R2 को R1 से आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा, क्या मिलेगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, पहले इसको लिखिएगा तो बोले 1 -1 -2 -4 2 3 -1 -1 3 1 3 -2 6 3 0 -7, समझ गए? इस प्रकार से हम लोग एक को क्या किए कोने में ले दिया। नियम सुनिए क्या है, नियम ये है कि जब कभी भी एक लाइएगा तो पहला है एक के नीचे जीरो लाना है, पहला नियम क्या है एक के नीचे जीरो, और दूसरा नियम है एक के बगल वाले के जीरो करना, पहला स्टेप में क्या करना है एक के नीचे वाले के जीरो लाना है और दूसरे स्टेप में एक के बाजू वाले को जीरो लाना है। देखिए हम बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए यानी कि यहाँ 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 तीनों जगह पे क्या लाना बेटा जीरो, तीनों जगह पे जीरो लाना, ये भाई साहब R2 में है ना, यानी कि R2 R3
आर फोर, तीनों को आपको चेंज करना है। और चेंज करने में देखो बेटा क्या चेंज करना है, कि आर टू में आप आर वन घटा दीजिए, किससे गुना करें, दो से। आप आर थ्री में आर वन घटा दीजिए, किससे गुना करके, तीन से। आप आर थ्री में बल्कि आर फोर में, आर फोर में आर वन घटा दीजिए, किससे गुना करके, छह से। किससे गुना करके, छह से, समझ गए, किससे गुना करके घटाएंगे, छह से घटाएंगे। तो आइए सॉल्व कीजिए, देखिए आपको कितना मिलेगा, देखिए ध्यान से देखो बेटा कितना मिलेगा। आर वन में तो कोई चेंज ही नहीं है ना, आर वन लिख दीजिए, वन माइनस वन माइनस टू माइनस फोर, ठीक है। अब देखो बाबू कुछ काम को मुझवानी कीजिए, कुछ काम को क्या कीजिएगा, मुझवानी कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा चला जाएगा। मुझवानी नहीं कीजिएगा ना तो बहुत बड़ा चला जाएगा। जैसे देखो अब आर टू को ऑपरेशन कर रहा है ना, तो देखो इसमें किसे गुना करना है, ऊपर वाले में दो, इसमें अब थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ गुना दे दो, गुना कितना कर दिए, दो, गुना कितना कर दिए, दो, समझने के लिए, समझ गए। और अब देखो तो, और घटा देना है, ऑपरेशन क्या करना है, घटा देना है। अब देखो इसमें दो से गुना करके घटा हुए कितना हो जाएगा, बोलो जीरो, इसमें दो से गुना करेंगे तो दो एकम दो, माइनस दो है तो प्लस दो हो जाएगा, आर वन में दो से गुना कर रहे हैं ना, इसमें दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो है या नहीं, माइनस दो है तो चिन्ह, चूंकि माइनस का चिन्ह है ना तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, तो तीन दो कितना हो जाएगा, पांच। मुझवाने का ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है ना बहुत बड़ा चला जाएगा, कैसे सात होगा, अरे माइनस नहीं ना, दो एकम दो, दो हुआ ना जी, और तीन दो कितना हो जाएगा, पांच होगा ना। फिर देखो बेटा इसमें किससे गुना किए हैं, दो से, किससे गुना किए हैं, दो से, याद रखो। और इसका चिन्ह बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि आगे में क्या लगा हुआ है, माइनस, दो दुनी चार, तो माइनस चार है तो प्लस चार हो गया, और प्लस चार से एक गया कितना, तीन, इसमें किससे गुना किए हैं, दो से, जो से बोले किससे गुना किए, दो से, चार दुनी आठ, माइनस आठ है तो प्लस आठ हो जाएगा, काहे कि माइनस है, तो आठ से एक गया कितना हो गया, सात। इस तरह से करके बनाना है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। अब देखो इसका काम छोड़ दो, अब इसका हो गया, अब आर थ्री में कर रहे हैं ना, आर थ्री के लिए बोलो तो आर वन में किससे गुना करना पड़ा, तीन से। अब आर वन में किससे गुना करना पड़ा, तीन से, याद रखो बेटा किससे गुना किए हैं, तीन से, और जोड़े के घटाए हैं, घटाए हैं, घटाए हैं तो चिन्ह हमेशा बदल जाएगा, जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। चलो देख, क्योंकि एक के सवाल समझना है, बाद में आपको बनाना है, क्योंकि हम एक जब तरीका आपको बता ही रहे हैं तो इस पे कितना सवाल बताएंगे, आपको मेथड सीखना है ना, आपको मेथड सीख करके बनाना है, ठीक। अब देखो बेटा इसमें किससे गुना किए बोलो तो, तीन से, और जोड़ेगे की घटाएगी, घटाएगी, चलो याद करो, बोलो तीन, माइनस तीन बोलो, माइनस तीन प्लस तीन कितना हो गया, जीरो, तीन से गुना किए ना, माइनस तीन है तो प्लस तीन, प्लस तीन जोड़ एक बोलो तो चार, तीन से गुना किए तीन दुना छह, माइनस छह तो कितना हो जाएगा, प्लस छह, और छह तीन बोलो तो नौ, जोर से बोलो, छह तीन कितना, नौ, इसको तीन से गुना किए, चार किया बारह, माइनस बारह कितना हो जाएगा, प्लस बारह, बारह से दो गया बोलो तो दस, बारह से दो गया कितना हो गया, दस, बारह से दो गया दस। चलो अब इसका काम छोड़ दो, हो गया। अब बोलो किससे गुना करेंगे, छह से, किससे गुना करेंगे बेटा, छह से, चलो इधर आओ, और याद करो माइनस किया है ना, माइनस किया है तो क्या हो जाएगा बोलो तो, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस किया है तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है माइनस हो जाएगा, बोलो छह कम माइनस छह ना, माइनस से प्लस है कितना, जीरो, छह कम छह, माइनस छह हुआ तो प्लस है, और छह और तीन कितना बोलो तो नौ, छह दुनी बारह, माइनस बारह तो प्लस बारह, बारह और जीरो बोलो तो कितना बेटा, बारह, अच्छे चौके चौबीस, माइनस चौबीस है तो प्लस चौबीस, प्लस चौबीस से तुम सात घटाओ तो सत्रह, नहीं कितना हो जाएगा, सत्रह, कितना हो जाएगा, सत्रह, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या किए बोलिए तो, यहाँ पर जो है हम लोग एक लाने की, एक लाए तो उसके नीचे क्या लाए, जीरो, एक लाए ना, एक लाए तो उसके नीचे को क्या ला दिए, जीरो, पहला स्टेप में जीरो नीचे लाए,
अब अगला स्टेप में आपको जीरो बाजू में लाना, यानी कि यहाँ पर जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, समझ बेटा। एक तो इलेन है यहाँ पर, देखो ये इचलोन मेथड नहीं पढ़ रहे हम लोग, इचलोन मेथड में अब अगला काम यहाँ पर एक लाना था। हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में इस एक के नीचे सब जीरो लाए ना, अब यही एक के इधर बाजू में जीरो लाना है। एक बार एक के नीचे सब जीरो लाए, अब एक के यही एक के इधर बाजू में जीरो लाना है, यानी कि पहले रो ऑपरेशन किए अब कॉलम ऑपरेशन करेंगे। इसमें बोले थे ना कि दोनों ऑपरेशन होता है, रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अब देखो, अब कॉलम ऑपरेशन करो। देखो ये बोलो सी टू है, ये सी थ्री है और ये सी फोर है, तो हम लोग चेंज करेंगे सी टू, सी थ्री और सी फोर। एक यही एक सवाल में आपको सीखना है, क्योंकि एक ही सवाल में आपको बताऊंगा, बाद आके आपको अपने से बनाना। यही एक सवाल जितना बढ़िया से हो सके आप इसको सीख लीजिए, ठीक। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पर जीरो लाना है, बोलो हाँ। यहाँ पर जीरो लाने के लिए बोलो तो क्या करेंगे, सी वन को जोड़, सी वन को क्या करो, जोड़ दो, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर जीरो लाना है बेटा, बोलो तो क्या करेंगे, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, सी वन में किससे गुना करेंगे, दो से, इससे दो से गुना करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है या नहीं। अब देखो फिर यहाँ पर जीरो लाना सी फोर में, बोलो क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा ना, कैसे जोड़ेंगे, सी वन में किससे गुना करके, चार से, सी वन में किससे गुना करेंगे, चार से, गुना करके जोड़ना। अब देखो तो अब बेटा देखो, पहला में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, सी वन में, सी वन लिख दो, बोलो तो कितना है, वन जीरो जीरो जीरो। अब बोलो तो C2 के लिए क्या किए, C2 में कैसे चेंज किए, बोलो तो, दोनों को जोड़े है ना, दोनों को जोड़ दो, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना, बोलो जीरो, और जीरो पांच जोड़ने पर कितना, पांच, और जीरो चार जोड़ने पर चार, और जीरो नौ जोड़ने पर नौ, इसमें फर्क नहीं पड़ा। अब चलो आप देखो तो C1 में किससे गुना किए, दो से, बेटा C1 में किससे गुना किए, दो से, यहाँ पर ऊपर लिख लो दो, समझने के लिए, किससे गुना किए हैं, दो से, और जोड़े हैं कि घटाए हैं, जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, याद रखना, जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो इसमें दो से गुना करो, बोलो दो, और दो प्लस दो कितना, जीरो। अब यहाँ पर कहीं भी दो से गुना करेंगे जीरो में कोई फर्क पड़ेगा, तुम दो से गुना करके जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा, हाँ या नहीं, बोलो। यहाँ पर बेटा हम लोग दो से जोड़ गुना करके जोड़ेंगे घटाएंगे तो जीरो ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको उतार दीजिए, बोलो उन्होंने कितना, बोलो तीन नौ बारह, हाँ या नहीं। फिर यहाँ पर बोलो तो बेटा, अब देखो तो किससे गुना किए, चार से ना, अब यहाँ पे लिख दो चार, किससे गुना किए है, चार से, तो चार एकम चार और यहाँ पे माइनस चार कितना, जीरो, जीरो हो गया। अब देखो तो यहाँ पे सब में जीरो है ना, अब जीरो में चार से गुना करो तो जीरो ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाकी का सब वैसे ले लो, सात दस सत्रह, सात दस सत्रह, और इसको मिटा दे, इसको क्या करते हैं, मिटा देते, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक लाए थे ना, तो एक के नीचे भी जीरो लाए और एक के बाजू में भी जीरो लाए, है या नहीं। एक के क्या किए, नीचे भी जीरो लाए और एक के बाजू में भी हम लोग जीरो लेते हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अब कोना कोने एक लाना, कोना कोने क्या लाना है, एक। अब एक कहाँ लाना है, यहाँ, ठीक है, एक यहाँ पर लाना है। अब एक चीज याद रखना, जो ऑपरेशन हम लोग कर चुके हैं जहां पर जीरो ला चुके हैं उसका यूज कभी मत करना। जैसे बोलो सी वन के यूज कर चुके हैं, सी वन जीरो लाए ना और तुम्हारा आर वन जीरो लाए ना, अब इस सी वन और आर वन के यूज नहीं करना है, बोलो सी वन और R1 की यूज नहीं करना, जहां पे जीरो ला दे उसके साथ कोई छटखानी मत करो। अब देखो तो यहाँ पर क्या लाना है, बोलो एक, इसको घटा दो या तो पांच से भाग दे दो, यदि पांच से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक, लेकिन पांच से भाग देने के चक्कर में मेरा समीकरण खराब हो जाएगा, नहीं टेढ़ा जाएगा ना, पांच से भाग देंगे यहाँ तो एक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तीन बटे पांच आएगा, यहाँ पर सात बटे पांच, टेढ़ा हो जाएगा ना। और कोई दूसरा मेथड है तो उससे बनाइए, दूसरा मेथड है कि पांच में से चार घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा, एक, नहीं रो ऑपरेशन कर रहे हैं, सुनो बेटा क्या कर रहे हैं, बोलो तो R2 में क्या घटा रहे, बोलो तो R2 में क्या घटा रहे, R2,
चलो देखो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, देखो तो कोई चेंजिंग नहीं। अब जीरो से जीरो घटाओ तो जीरो, पांच से चार घटाओ एक, तीन से नौ घटाओ माइनस से, सात से दस घटाओ माइनस टू। यहाँ पर तो उतार दो जीरो चार नौ दस और जीरो नौ बारह सत्रह। अब बोलो एक आ गया कि नहीं, बोलो एक आया कि नहीं आया, एक आ गया। अब एक आएगा तो पहले उसके नीचे जीरो लाओगे, पहले क्या करेंगे नीचे जीरो लाएंगे, तो पहले नीचे जीरो लाओ। अब बोलो तो एक किस में है, बोलो तो एक किस में है, आर टू में, एक किस में है आर टू में। आर टू के मदद से हम लोगों को क्या लाना है जीरो, आर टू के मदद से क्या लाना है जीरो। तो जीरो कहाँ लाएंगे बोलो, चार में और नौ में। तो बेटा ये आर थ्री में है ना, और ये किस में है आर फोर में, यानी कि आर थ्री को चेंज करना है और आर फोर को चेंज करना है, समझिए। तो जिसको चेंज करना है उसको तो लिखवे करेंगे, बोलो हाँ। और किसके मदद से, ये कहाँ आया है आर टू में, तो आर टू के मदद से, आर टू के मदद से। यहाँ पर तुमको जीरो लाना तो चार से गुना करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, और यहाँ पर जीरो लाना तो किससे गुना करना पड़ेगा नौ से, यहाँ पर जीरो लाना तो किससे गुना करना पड़ेगा नौ से, और क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। एकदम क्लियर है, कोई डाउट इसमें, एक के सवाल से आपको समझना है। अब देखो बाबूरे, देखो बेटा क्या होगा इक्विवेलेंट, ये जो है आपका क्या हो गया। देखो बेटा आर वन में कोई चेंजिंग नहीं है, लिखो वन जीरो जीरो जीरो। आर टू में चेंजिंग नहीं है, जीरो वन माइनस सिक्स माइनस। अब सुनो, अब देखो तो आर टू में किससे गुना किए फोर से, यहाँ पे लिख दो फोर, किससे गुना किए है चार से, और इसमें घटाएंगे ना, घटाएंगे तो यदि प्लस चिन्ह है तो कितना हो जाएगा माइनस, हाँ या नहीं बोलो। यदि यहाँ पे माइनस किएगा प्लस चिन्ह, माइनस चिन्ह तो प्लस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, याद रखना। बोलो चार एकम माइनस सात, अब प्लस सात कितना हो गया जीरो, इसको तो उतार लो जीरो में फर्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारा कितना हो गया जीरो। अब बोलो चार से गुना किए बोलो हाँ, छह चौके चौबीस माइनस चौबीस से तो प्लस चौबीस, अब प्लस चौबीस और नौ तैतीस, हाँ या नहीं प्लस चौबीस और नौ बोलो कितना तैतीस। चलो चार की आई बारह माइनस बारह तो प्लस बारह, बारह और दस कितना बाईस, बारह और दस कितना बेटा बाईस, बाईस हो गया। चलो अब इस चार को मिटा दो, अब चार की जगह क्या लिखेंगे नौ, किससे गुना किए बाबू नौ से, किससे गुना किए हैं नौ से। चलो है बेटा नौ से गुना करके माइनस किए है ना, प्लस चिन्ह कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस चिन्ह कितना हो जाएगा प्लस, जीरो पे फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। उसमें समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, जहां पर आप जीरो ला दिए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब इसमें नौ से गुना करेंगे माइनस नौ हो जाएगा, और माइनस नौ जोड़ नौ कितना जीरो, नौ से गुना करेंगे चौवन माइनस चौवन है तो प्लस चौवन, चौवन और दो छप्पन, छप्पन दस छह, छप्पन दस कितना छह। चलो नौ से गुना करो तो नौ तेज सत्ताईस माइनस सत्ताईस है तो प्लस सत्ताईस, और सत्ताईस और सात बोलो तो सत्ताईस और सात चौंतीस, और चौंतीस और दस चौवालीस, चौंतीस और दस कितना हो गया चौवालीस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक के नीचे जीरो लाए ना, बोलो हाँ या नहीं yes. एक के जीरो, एक के नीचे क्या लाए बेटा जीरो, और एक के नीचे जीरो लाए तो अब एक के बाजू में जीरो लाना, पहले एक के नीचे जीरो और फिर एक के बाजू में जीरो, यानी कि आपको जीरो कहाँ कहाँ लाना है बोलो सी थ्री में और सी फोर, यानी कि आपको सी थ्री में और सी फोर में जीरो लाना है। जहां पर जीरो लाना है ना उसको तो लिखवे करेंगे, और किसकी मदद से यहाँ पर एक है, ठीक है। तो इसमें बेटा छह से गुना करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा ना, माइनस पहले से है ना, तो ये कौन सा घर हुआ सी टू, तो सी टू में छह से गुना कीजिए, और क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर जीरो लाना है तो बेटा इसमें किससे गुना करेंगे एक में तीन से, अब तीन से गुना करके जोड़ेगी कि घटाएगी जोड़ेंगे, यानी कि C2 में तीन से गुना करके जोड़ेंगे, C2 में
तीन से गुना करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलो आ जाओ, देखो बेटा R1 में ये जो है ना R1 है ना, R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दो जहां पे जीरो आ गया है ना, सुन लो, जहां पर जीरो आ चुका है वहां पर फर्क नहीं पड़ता। पहले बता दिए, जहां पर जीरो आ चुका है वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना फालतू का माइंड लगाने से कोई फायदा है नहीं, जीरो लाए ही नहीं इसीलिए क्योंकि उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो ये लिख दो, C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं है ना, C1 में लिख दिए, C2 में चेंजिंग नहीं है, इसको लिख दिए 100। ठीक, अब देखो तो C2 में किससे गुना करना पड़ा, 6 से, इसमें किससे गुना करेगी, 6 से, और C3 में क्या करेगी, जोड़ेगी। तो देखो जीरो में फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिए, 6 से गुना करो तो 6 और माइनस 6 कितना, जीरो। अब इसमें 6 से गुना करेगी तो जीरो का जीरो रह जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 33 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 33 और 36 नहीं बल्कि 66, नहीं बल्कि 66। ठीक है, अब इसको हटाइए। अब लो बेटा किससे गुना किया हम लोग, 300 किससे गुना किया है, 300 से गुना कर लो, जीरो में फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर 300 गुना करो तो 3 एकम 3, अब प्लस 3 और माइनस 3 कितना हो गया, 0, प्लस 3 और माइनस 3 0। अब देखो बेटा, अब यहाँ पर 0 से 3 से गुना करेंगे फर्क पड़ेगा, तो यही उतर जाएगा 2242, 2244, समझ गए, 22 और हो गया 44। अब देखो बेटा अगला स्टेप बोलो तो क्या है, एक लाना, क्या है नुनू, एक लाना, एक लाना है तो इस क्या से भाग देना पड़ेगा, भाग दे दो, ये R3 में है ना, तो R3 को चेंज कर दो, इससे किससे भाग देगी, 33 से, इससे भाग देगी 33 से, तभी ना आएगा, इससे भाग देगी बोलो तो 33, क्या मिलेगा बोलो तो, सब उतार दो, 1 0 0 0 0 1 0 0, 33 से भाग देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, या 33 से भाग देंगे तो 1, और 33 से भाग देंगे तो 2/3, 33 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, इसको जैसे का तैसे लिख दो, 0 0 66 40, हो गया। अब देखो, अब जहां पे 1 लाए, पहला स्टेप क्या है, उसके नीचे 0 ला, पहला स्टेप क्या है, उसके नीचे 0 ला। अब बोलो बेटा ये कौन घर में है, R4 में है, R4 में चेंज करो, कैसे चेंज करेगी बोलो तो, इसमें किससे गुना करेगी, 66 से, किससे गुना करेगी, 66 से, तो ये कौन घर में है, R3 में किससे गुना करेगी, और जोड़ेगी कि घटाएगी, घटाएंगे, हाँ यार घटाएंगे, तो देखो बेटा कितना मिल जाएगा, सुनो R1 में कोई चेंजिंग है, R2 में, R3 में कोई चेंजिंग नहीं है, लिखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 by 9, हो गया बाबू, हो गया बोलो, हाँ yes। अब R3 में किससे गुना किए, 66 से, यहाँ पे लिख दो 66, गुना किए 66 से, लिख दे। अब बोलो जोड़े के घटाइए, घटाए, याद रखना प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। देखो जीरो पे फर्क नहीं पड़ता, पहले बता दिए, कोई जीरो पे तुम टेंशन नहीं लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको जीरो आप लाए उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, यदि पहले से जीरो है तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन यदि आप लाए ऑपरेशन करके रो और कॉलम में, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बाबूरे, जब इसमें 66 से गुना करो तो, लेकिन चिन्ह बदलेगा ना, माइनस 66, माइनस 66 प्लस 66 कितना बेटा, 0, कितना हो गया बेटा, 0। ठीक, अब देखो इसमें 66 से गुना करो तो 2 बचेगा ना, 2 × 2 = 4, कितना हो जाएगा, 22, 22। अरे 66 से क्या करेंगे जी, गुना 3 से भाग देंगे तो पहले तो 22, 22 गुने कितना, 44, ये 44 हुआ ना जी, प्लस 44 तो माइनस 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 44, माइनस 44 प्लस 44 बोलो बेटा 0, कितना हो जाएगा, 0, बोलो कितना हो जाएगा, 0, 0 हो गया। देख, अब देखो अभी हम लोग रो ऑपरेशन किया ना,
अब कॉलम भी करेंगे, क्योंकि बेटा यदि शुरुआत रो से किया तो अंतिम किससे करना पड़ेगा, कॉलम से। शुरुआती ऑपरेशन किससे किए थे तो आपको लास्ट ऑपरेशन कॉलम से करना ही पड़ेगा। अब देखो ठीक है, ओ कितना में हट जाना चाहिए, ऑपरेशन यहीं पे लिख देते हैं। आपको यहाँ पर क्या लाना है, जीरो, जीरो। ये कौन सा घर हुआ, सी फोर। कौन सा घर हुआ, सी फोर। और जीरो लाने के लिए एक यहाँ पर आया है ना, ये किस घर में आया, सी थ्री में। और किससे गुना करना पड़ेगा, दो बटे तीन से, दो बटे तीन से गुना करके क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो बाबू रे, सी वन सी टू सी थ्री में कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए। देखिए सी वन वन जीरो जीरो, सी टू जीरो वन जीरो जीरो, सी थ्री जीरो जीरो वन जीरो, कोई चेंज नहीं। बोलो बेटा कोई चेंज नहीं। अब देखो तो तुम इसे C3 में किससे गुना किए, दो बटे तीन से, जीरो में गुना करेगा फर्क नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा हो गया जीरो, ये भी बेटा तुम्हारा हो गया जीरो। अब इसमें किससे गुना किए, दो बटे तीन से, किससे गुना किए हैं, दो बटे तीन से। और इसमें घटाएंगे ना, कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा दोनों, जीरो। अब रे यहाँ पर जीरो है, दो बटे तीन से गुना करेंगे तो कितना, जीरो। जीरो में दो बटे तीन से गुना करेंगे कितना, जीरो। और फिर जीरो में घटाएंगे तो आपका हो जाएगा जीरो, आपका हो गया जीरो। अब देखे थे कितना मजा लग रहा है देखने में, नहीं कितना अच्छा लग रहा है। अब ये देखो तो कैसे लिखेंगे, ये बेटा ध्यान से देखो, बाबू रे ध्यान से देखो, इसको ऐसे बांटिए। तो देख एक 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, हाँ या नहीं, एक बनेगा ना। देखो इसको आप कैसे सॉल्व, लास्ट में जीरो आया था, अरे लास्ट में जीरो यहाँ था तो आया ना जी, ठीक। अब देखो इसको कैसे देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, इस तरह इसको सेग्रीगेट करते हैं। देखो कैसे करते हैं सेग्रीगेट, हाँ अलग अलग कर दिए, ठीक। देखो तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के नहीं, इसके लिए कितने ऑर्डर का बोलो तो, तीन ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का है, तीन। इसको थ्री क्रॉस थ्री लिख दीजिए, ये देखो एक जीरो मैट्रिक्स हो गया, कौन सा मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स। देखो ये जीरो मैट्रिक्स बताओ तो रो कितना हुआ, एक, और कॉलम कितना है, एक दो तीन। ये बेटा बोलो तो जीरो मैट्रिक्स हो गया, और इसमें बताओ तो रो कितना हुआ, एक दो तीन, और कॉलम कितना, एक। ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, एक रो एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो थ्री क्रॉस थ्री या सिंपली आई जीरो जीरो जीरो, समझ गए, लिख दिए। और यहाँ पर सिंपली सिर्फ आप लिख दीजिए थ्री, क्या लिख दीजिए, थ्री। याद कीजिए हम लोग आई आर लिखे थे ना, आई आर लिखे थे ना, तो वही आई जो आर था, आर आपका रैंक था, आर क्या था, रैंक। इसका रैंक कितना हो गया, तीन। रैंक कितना हो गया, तीन। यानी कि अब ये कैनोनिकल फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। अब ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हुआ है, नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। आई का ऑर्डर ही आपका कहलाता है रैंक, देयरफॉर रैंक ए बराबर, ये आपका ट्रांसफर हो चुका था, और रैंक कितना हो गया, तो रैंक हो गया तीन, ठीक है। तो आपको कई तरह का फॉर्मेट मिल सकता है, जैसे हम चार फॉर्मेट लिखवाए थे ना, उसमें से कोई भी फॉर्मेट मिल जाए तो आई का जो ऑर्डर होता है वही आपका क्या कहलाता है, रैंक। आई का ऑर्डर क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। होप कि अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, हाँ या नहीं, ठीक है, इसको बना लेना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का, कितने का मैट्रिक्स है, 4x4 का, और इस चीज से हम लोगों को क्या निकालना है, रैंक। क्या निकालना है, रैंक। और बताइए कि रैंक हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, रैंक निकालेंगे हम लोग नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म से। तो प्रोसेस तो मालूम है, पहला क्वेश्चन आप देख ही लिए क्या है प्रोसेस, तो यह एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं और आप अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिए, मोर प्रैक्टिस मोर बेनिफिट। तो बेटा याद करो तो पहला हम लोग का स्टेप क्या है,
पहला स्टेप है आप लोगों को ऊपर एक लाना, नहीं पहला स्टेप क्या है ऊपर एक लाना, और मजे की बात यह है यहाँ पर एक ऑलरेडी है। ठीक, जब एक है तो उसके नीचे सबको हमको क्या करना है, जीरो, एक के नीचे सबको कर देना है जीरो, यानी कि हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा आर टू आर थ्री और आर फोर, समझ गए, आर टू आर थ्री और आर फोर। चलो आर टू को कैसे चेंज करेंगे बेटा, आर टू से आर वन घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेगी आर थ्री से किसे गुना करेगी, दो से, और यहाँ पर आर फोर आर वन में किसे गुना करेगी, तीन से, समझ गए, तो आपका ये तीनों आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका इक्विवेलेंसी का हम लोग साइन देते हैं, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है ना, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, आप इसको लिख दीजिए, तो R1 कितना हो जाएगा, 1 1 1 1, देखो नो ये डायरेक्ट हटाए है ना, एक से एक गया कितना जीरो, तीन से एक गया दो, माइनस दो से एक गया माइनस तीन, और एक से एक गया कितना हो गया जीरो। ठीक, फिर देखो इसमें किससे गुना किया बोलो तो, दो से, अब R3 के लिए इसमें किससे गुना किया है, दो से, और जोड़े है कि घटाए है, घटाए, देखो तो ये तो दो हो गया, दो से दो गया कितना जीरो, इसमें दो से गुना किया, और लेकिन घटाए तो माइनस दो हुआ ना, माइनस दो प्लस जीरो कितना माइनस दो, दो से गुना किया दो, लेकिन घटाया है तो माइनस दो, माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच, दो से गुना किया दो, लेकिन माइनस दो हुआ, माइनस दो जोड़ एक माइनस एक। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे, तीन से गुना करेंगे, ये अगला तीन से गुना कर, तो तीन से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो तो, माइनस तीन और तीन जीरो, माइनस तीन और तीन जीरो, माइनस तीन और माइनस तीन माइनस छह, माइनस तीन जोड़ एक माइनस दो, माइनस तीन जोड़ एक कितना हो गया माइनस, अब इसको हटा देते। ठीक, अब हटा दिए, अब देखो क्या करना है बेटा, अब रो ऑपरेशन किया तो अब कौन सा ऑपरेशन करना है, कॉलम ऑपरेशन, अब जो है कि तीनों जगह पे क्या लाना है जीरो, यानी कि C2 C3 और C4, C2 C3 और C4 में हम लोगों को लाना है जीरो, तो C2 में क्या करेंगे C1 को घटा देंगे है या नहीं, C3 में क्या करेंगे C1 को घटा देंगे, और C4 में क्या करेंगे C1 को घटा देंगे है या नहीं, किसी से गुना करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि आपका 1 1 1 है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा देखिए, तो C1 में कोई चेंजिंग है बोलिए नहीं। ठीक है बेटा, सुनो एक से एक गया कितना हो गया जीरो, और ये सब जीरो घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि टू माइनस टू जीरो, बोलो एक से एक गया कितना हो गया जीरो, और इधर कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सिक्स, एक से एक गया जीरो, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे के तैसे हम लोग लिखिए, जैसे के तैसे हम लोग क्या किए तो लिखिए। ठीक, अब क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, कोना कोने एक लाना है या नहीं, यानी कि एक अब कहां पे लाना है, इस जगह पे, तो एक लाने के लिए किसी को जोड़ घटा के एक ला सकते हैं नहीं ला सकते, यदि इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जीरो, एक नहीं आ पाएगा तो जो है उसी से भाग दे दीजिए, यानी कि यहाँ पर कितना है दो, तो दो से भाग दे दीजिए रो में, यानी कि आर टू को आप चेंज कीजिए, कैसे R2 गुना एक बटे दो, कैसे नो R2 गुना हाँ एक बटे दो, तो कितना हो जाएगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 0 0, R2 में किससे भाग दिया है दो से, तो जीरो बटे दो जीरो, दो बटे दो एक, माइनस तीन बटे दो, और ये हो गया जीरो बटे दो जीरो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जीरो माइनस टू
माइनस फाइव माइनस वन जीरो जीरो माइनस सिक्स और माइनस टू, माइनस सिक्स और कितना हो गया माइनस टू। अब एक लाए ना, अब जहां पर एक लाए उसके नीचे क्या करना है, जीरो लाना है। तो यहां पर जीरो लाएंगे, यहां पर भी जीरो लाएंगे, और मजे की बात यह है कि इस जगह पे तो जीरो है ना, एक ही जगह पर लाना। और ये कौन सा घर हुआ, आर थ्री। तो आर थ्री को चेंज करने के लिए आर वन आर टू में किसे गुना करना पड़ेगा, दो से, दो से गुना करना पड़ेगा, और जोड़ना के घटाना है, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, आर वन में कोई चेंजिंग नहीं है, वन जीरो जीरो जीरो, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं, वन माइनस थ्री बाय टू, किसे भाग दे रहे, इसमें किसे गुना किया दोनों, दो से, और जोड़े है ना, तो ये तो जीरो ही रहेगा, दो एकम दो, दो प्लस और माइनस जीरो, ये दो दुनी दो से गुना करेंगे तो दो दो कट जाएगा ना, माइनस थ्री और माइनस फाइव माइनस एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एट, और दो से गुना किया पर हमने पड़ेगा माइनस वन ही रहेगा, और नीचे आपका हो गया जीरो जीरो माइनस सिक्स और माइनस टू, समझ गए, जीरो जीरो माइनस सिक्स और माइनस टू, इतना कर लिए। अब क्या किए, नीचे जीरो लाया ना, एक के नीचे जीरो लाया तो आप कहाँ जीरो लाएंगे, बगल, यानी किस दोनों जगह पे जीरो लाना, एक जगह तो जीरो है ही, यहाँ पर जीरो लाना है, ये कौन सा घर होगा, सी थ्री। तो सी थ्री को जीरो लाने के लिए किसकी मदद लेना पड़ेगा, सीवन, सीवन नहीं बल्कि सी टू की, किसकी मदद देना पड़ेगा, सी टू की। और यहाँ पर तीन बटे दो है तो किससे गुना करना पड़ेगा, तीन बटे दो से, किससे गुना करना पड़ेगा, तीन बटे दो से। और यहाँ पर माइनस है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, उल्टा साइन लेते हैं ना, माइनस से तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी कि कितना मिल गया बोलिए तो, सी वन में कोई चेंजिंग नहीं है, सी टू में कोई चेंजिंग नहीं है, सी थ्री दोनों इसमें किससे गुना किए बोलो तो, थ्री बाय टू से, तीन बटे दो से गुना करो तो यहाँ जीरो रहेगा, और जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो, तीन बटे दो से गुना करो तो तीन बटे दो प्लस में या माइनस में जीरो, इस दोनों में तो जीरो से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तीन बटे दो से गुना करेंगे तो, तीन बटे दो से जीरो में गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि माइनस एट माइनस सिक्स जीरो जीरो माइनस वन माइनस टू हो गया। अब क्या करना है, अब इस जगह पे क्या लाना है, एक, एक लाने के लिए आर थ्री हो गया ना, तो आर थ्री में क्या करना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, माइनस आर से, किससे भाग देना पड़ेगा, तो माइनस आर से, तो माइनस आर से हम लोग भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, आर वन में कोई चेंजिंग नहीं है, वन जीरो जीरो जीरो, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, जीरो वन जीरो जीरो, आठ से भाग दे दो जीरो, आठ से भाग दे दो जीरो, माइनस आठ से भाग दो वन, माइनस आठ से भाग दो एक बटे आठ, है या नहीं, माइनस आठ से भाग दो तो कितना हो जाएगा, एक बटे आठ, ये आपका हो गया जीरो जीरो माइनस सिक्स और माइनस टू, माइनस सिक्स और माइनस टू। अब जहां पर एक लाया है उसके नीचे क्या बनाना है, जीरो, तो ये आर फोर में यहां पर जीरो बनाना है, तो आर फोर बोलो बेटा कहां से बनाएंगे, इस एक की मदद लेंगे, और एक किसमें, आर थ्री में, और आर थ्री में किससे गुना कर देंगे, छह से, जोड़ेंगे या घटाएंगे, प्लस करेंगे ना, तो देखो तो क्या मिला, आर वन में चेंजिंग नहीं है, वन जीरो जीरो जीरो, इसमें चेंजिंग नहीं है, इसमें भी चेंजिंग नहीं है, सुनो तो किससे गुना की, इसमें छह से ना, छह से गुना करके जोड़ो तो ये जीरो प्लस जीरो जीरो, छह से गुना करेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, छह से गुना करो तो छह प्लस से माइनस से कितना हो गया जीरो, और छह से गुना करो तो तीन बटे चार, तीन बटे चार और माइनस दो, चार गुने आठ,
तो तीन माइनस आठ बटे चार माइनस पांच बटे चार कितना हो गया माइनस पांच बटे चार, ये हो गया माइनस पांच बटे चार। ठीक, अब जहां पर एक लाया है उसके बाजू में कितना लाना है, जीरो है या नहीं, यानी कि यहां पर क्या लाना है जीरो। कौन सा घर बोलो तो C4 को चेंज करना है किसकी मदद से, C3 की मदद से, और किससे गुना करना पड़ेगा एक बटे आठ से, किससे गुना करना पड़ेगा एक बटे आठ से, और जोड़ेंगे कि घटाएगी माइनस ना, अपोजिट साइन होता है ना, माइनस करना पड़ा। देखो तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C2 में कोई चेंजिंग नहीं है, C3 में भी कोई चेंजिंग नहीं है, C4 में किससे गुना करेंगे बोलो तो एक बटे आठ से। देखो जीरो वाला पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो जीरो है जीरो है, एक बटे आठ से गुना करो और यहाँ पे घटा दो, तो जीरो एक बटे आठ से गुना करो, जीरो में गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस पांच बटे चार हो जाएगा, माइनस पांच बटे चार। अब इसको मिटा दो, ठीक है। अब कोई स्टेप बचा करने के लिए, अब बहुत ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर एक लाएगी, लेकिन एक लाकर ही क्या करेगी, उसके नीचे कहीं जीरो लाने के लिए है नहीं ना, यानी कि हम लोगों का जो हाथ है वो हाथ बंद है। या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर लो एक स्टेप पर, ये होता जब उतना किए तो ये बोलो तो आप किस में है? R4 में, तो R4 में क्या करो, R4 को चेंज करो R4, और जो है ना पलटी मारो, माइनस चार बटे पांच करो, माइनस पांच बटे चार है ना, माइनस चार बटे पांच करो। ठीक, देखो तो बोलो क्या मिलेगा, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1000 0100 0000 0000 1, ये 1 है, और इसको गुना करेंगे 4 बटे 5 से, इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस गुणा माइनस कितना हो गया प्लस, और 4 बटे 5 से गुना करने पे कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, यानी कि ये क्या मिलेगा, ये जो है क्या मिल गया, तो I4 है या नहीं, ये क्या मिल गया I4 नहीं, ये क्या मिल गया I4। तो इसमें ऐसा भी कोई ऐसा रो आया जिसमें एक भी जीरो नहीं हो, मतलब कि ऐसा कोई रो आया जिसमें सारा जीरो हो, नहीं ना आया, याद कीजिएगा इसका रैंक यही निकलाता है, IR वाला फॉर्मेट हो गया जो पहला फॉर्मेट था, तो रैंक कितना कहलाएगा, रैंक therefore rank of A बराबर 4, यानी कि rank इसका 4 है। कैसे, क्योंकि formula क्या होता है, formula m minus k होता है ना, जहाँ पे m रो की संख्या होती है और k आपका ऐसा रो जिसका एक सारा सदस्य जीरो, तो यहाँ पर तो ऐसा मिला ही नहीं, rank कितना मिल गया आपको, rank मिल गया, यानी कि आपका 4 हो गया और rank आपका k आपका जीरो, करने का मतलब कि रैंक बराबर, तो रैंक ऑफ ए बराबर हो गया, और यही हो गया। ठीक, ये हो गया, नहीं ना आया, नहीं आया तो छोड़ दो ना, आया क्या, नहीं आया तो छोड़ दो, बात खत्म हो गई। अब नोट